रीवा जिले में अपराधी आए दिन लूटपाट, हत्या, चोरी, आगजनी की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। हद तो तब हो जाती है जब धार्मिक स्थानों के साथ साथ राजनैतिक व्यक्तियों के घरों में भी अपराधी वारदात को अंजाम देने में संकोच नहीं करते। ताजा मामला कोतवाली थाना क्षेत्र के उपरहटी मोहल्ले का है, जहां पूर्व के पूर्व पार्षद चिंटू सोनी के घर के बाहर खड़ी उनके भाई की ऑटो को असामाजिक तत्वों ने आग के हवाले कर दिया। बताया जाता है कि इसके पहले भी आगजनी की घटना घटित हो चुकी है। घटना की जानकारी पुलिस को दी गई तो मौके पर पहुंची पुलिस ने मौका मुआयना किया है। उक्त वारदात को अंजाम किसके द्वारा दिया गया है इसकी जानकारी नहीं हो पाई है। चर्चा है कि राजनीतिक रंजिश के चलते भी आगजनी की घटना घटित हो सकती है। वहीं सड़क में ऑटो खड़ा करने से नाखुश लोगों के द्वारा भी उक्त वारदात को अंजाम दिया जा सकता है। गैस निकली हमें यार। वो देखा भी उस सुना रहे बिल्कुल। पवन सोनी, ये हमारे छोटे भाई का है, संजय सोनी। ये आज रात को 12:30 बजे के समथिंग छोटा भाई आया है, गाड़ी खड़ी किया है। गाड़ी खड़ी करने के बाद हम लोग आराम से अपना खाना पीना खा के सो गए। जैसा कि अपने दरवाजे में हमेशा खड़ी होती, खड़ी रही। तो अब ये तो ज्ञात है नहीं कि किसने लगा दिया आग, समथिंग करीब 2 से 2:30 बजे के आसपास रिपोर्ट कर दी थाने। रिपोर्ट रात को ही 100 डायल को भी किया गया था। इसके पूर्व में भी हमारी पिछले 2 वर्ष पूर्व हमारी 2 गाड़ियाँ जलाई गई थी। एक डिस्कवर जलाई गई थी और एक पल्सर जलाई गई थी, जब हमारे छोटे भाई प्रकाश सोनी चिंटू पार्षद बने थे वाटरमैन 37 से। और आज ये दूसरी वारदात है। प्रशासन इस तो इस तरफ मुस्तैद बिल्कुल भी नहीं है। इतने सुंदर सुंदर गहने लाए, दुल्हन के रूप में 4 चांद लगाए। के रिश्ते को और गहरा बनाए, समदड़िया आभूषण का जादू है छाए। समदड़िया